सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वापस आ चुका एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा मॉड पैक लेकर आया हूँ जिसको यूज करने के बाद आपके तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि इस मॉड को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये मॉड हर जगह बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और इस मॉड का नाम है 3D गन्स मॉड। वैसे तो एक्चुअल गन्स मॉड है, फिर भी आपके लिए 3D गन्स मॉड ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गन्स है ना वो एकदम ही ज़्यादा 3D हैं। एकदम ही ज़्यादा क्या होता है, मतलब 3D हैं और एकदम ही ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, और उनको यूज़ करके जो मज़ा है ना वो और कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इस मॉड को अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हो तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप किसी बैटल रॉयल मैप में खेलते हो या फिर कोई सिटी बना के उस मैप में खेलते हो थोड़े ज़्यादा लोग, तो आपको एकदम पबजी और अपने फ्री फायर वाली फीलिंग आएगी। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के मैं आपको ये शो करता हूँ कि आप इस मॉड पैक को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो, और एट दी एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस मॉड पैक को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर चैनल पर नए हो, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे नए नए वीडियोस बनाने की। और एट द लास्ट आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे समझ में आ जाए। हो सके तो आप मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो आपका मन, मतलब बस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं अपने मतलब अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। अगर आपको जैसे देखना है पर पूरी वीडियो देखना तभी आपका फायदा होएगा। हाँ, तो वो छोड़ो, मैंने बहुत टाइम पास कर दिया। हाँ, तो अगर आप क्रिएटिव में हो तो, और अगर आपको सारी के सारी गन्स चाहिए तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव में तो बड़ी आराम से मिल जाएगी, आप यहाँ से ले सकते हो। पर अगर आपको सर्वाइवल में चाहिए तब कैसे लोगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पहले मैं यहाँ पे सारी की सारी गन्स लेता हूँ, और मुझे इनकी एमओ यानी कि मैगजीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ, तो यहाँ पे मेरी एमओ खत्म बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास AKM है, और अगर मैं क्राउच करूँगा तो मेरा स्कोप भी खुल जाएगा। हाँ माना, कोई स्कोप नहीं इसमें, फिर भी कुछ नहीं से कुछ ही सही। और यहाँ पे 30 MO है किसी में, एक और 30 MO है इसमें, M249 में 100 है, और यहाँ पे टॉरस P292 क्या होता है P292, और यहाँ पे शॉटगन मिल जाएगी आपको, और एक MP5 मिल जाएगी, और P90 मिल जाएगी, अपनी ऑप मिल जाएगी, और ये एक और कोई स्नाइपर जो मैंने कभी देखी नहीं है ये भी मिल जाएगी। और ना गाइस, इनको लेने के बाद आपको स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, जो अगर थोड़ी हल्की होगी उसको लेके आप फास्ट दौड़ सकते हो। पिस्तल देखो थोड़ी हल्की रहती है तो मैं फास्ट दौड़ पा रहा हूँ, और ये स्नाइपर बहुत हैवी रहती है तो उसको लेके चलना भी थोड़ा हार्ड है। तो वो छोड़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग मॉब्स पे डैमेज कैसे देगी। तो यहाँ पे भाई अपना ऑब्वियसली प्लेजर लेंगे, तो प्लेजर को स्पॉन करते हैं यहाँ पे, और 3-4 स्पॉन कर दिए मैंने, और AKM यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो रिकॉइल भी इसका बहुत खतरनाक है, मतलब आपकी पूरी स्क्रीन जो है ना वो शेक कर जा रही है, और थोड़े स्पॉन कर दिए। और ये थोड़ी M4 जैसी गन है, यहाँ पे आप इसका स्कोप लगा के भी मार सकते हो, बहुत ही अच्छा क्रॉस एयर है। और ना अगर आप स्प्लिट स्क्रीन में जो भी है, आई डोंट नो क्या था वो, मैंने अभी उसमें खेला नहीं ज़्यादा, तो उसमें खेलोगे और अगर आपका क्रॉस एयर रहेगा तो आपकी एमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पिस्टल मिल जाएगी, सिंपली देखो स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, होल्ड एंड लॉन्ग प्रेस, और ये अपनी काम करना शुरू कर देगी। और यहाँ पे जितनी भी एनिमेशन साउंड्स वो सब है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक हैं। तो यहाँ पे देखो अपने को अपनी SMG यानी कि MP5 भी मिल जाएगी, इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़े और चेकआउट कर लेते हैं इनके ऊपर टेस्टिंग करके, P90 भी अच्छे डैमेज देगी, वैसे उसका भी कुछ अच्छा नहीं रहता क्योंकि ये भाई SMG है। और अगर आप इनको रेवेजर वगैरह पे यूज़ करोगे तो मरने में बहुत टाइम लगाएंगे। पर यहाँ पे हमारे पास है ऑप जो कि ऑब्वियसली वन शॉट करती है, अगर आपने थोड़ा बड़े गेम्स खेले जैसे कि CS:GO या फिर वैलोरेंट तो उसमें ये वन शॉट करती है, जो कि यहाँ पर भी वन शॉट कर ही रही है। तो एक और स्नाइपर है, और यहाँ पे थोड़े ग्रेनेड्स को भी चेकआउट कर लेते हैं, और अपनी एक और स्नाइपर को चेक करते हैं। हाँ, मैं इसको स्कोप खोल के मार सकता हूँ, पर बिना स्कोप में ज़्यादा मज़ा आ रहे हैं, नो स्कोप, मतलब यहाँ पे बिना स्कोप के मार तो बहुत ज़्यादा आनंद की पूर्ति मिलती है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक ग्रेनेड फेंक दिया जो कि चेन में फटता है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार फट गया काम खत्म, 2-3 बार फटेगा तो एक साथ ढेर सारे बार फेंक देना आपकी गेम लैग भी कर सकती है। और हाँ गाइस, अगर आपको इसको अपने सर्वाइवल में चाहिए, आप चाहते हो कि हमको क्रिएटिव करना ना पड़े, बहुत ईजी है, सिंपली किसी विलेज में जाइए और किसी क्लैरिक को ढूंढिए। अगर आपको नहीं पता क्लैरिक क्या होता है तो वो चर्च में रहता है, अगर आपको ये भी नहीं पता चर्च कहाँ है तो वो ब्रीविंग स्टैंड पर काम करता है, और आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्लैरिक कौन है, उससे आप जाके ट्रेड कर सकते हो। तो बस बात रही इस मॉड पैक के इंस्टॉलेशन की, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है जहाँ से आप अपने मॉड को मीडियाफायर से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको तो पता ही है मीडियाफायर की लिंक कितनी अच्छी रहती है, बिना किसी ऐड बिना किसी प्रॉब्लम के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और मैं वही लिंक अपनी मोस्ट ऑफ द क्या हर वीडियो में देता हूँ। तो अगर आपको और लिंक्स वैसे चाहिए और ऐसी वीडियो चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद जैसे ही आपका मॉड पैक डाउनलोड हो जाए तो उसके ऊपर टैप कर दीजिए, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है फाइल का टाइप जिप हो,
तो कुछ मत करो, उसको रीनेम कर दीजिए और डॉट जिप उसमें से हटा दीजिए। हाँ, क्या करना है, रीनेम करके डॉट जिप जो लिखा है ना उसको रिमूव करके और कुछ भी नहीं हटाना, बस डॉट जिप हटा के उसको एंटर कर दीजिए और उसको टाइप कीजिए। फॉर श्योर आपका माइनक्राफ्ट ओपन रहेगा। पर अगर अभी भी ऐसा नहीं होता है तो डोंट वरी, मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही आसानी से आप अपने माइनक्राफ्ट के अंदर मॉड्स को इंस्टॉल करना सीख जाओगे और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। करनी क्रिएट न्यू वर्ल्ड और वाइल क्रिएटिंग द वर्ल्ड यहाँ पर आपको होलीडी क्रिएटर फीचर्स, मॉडर्न फीचर्स और एडवांस सेक्शन में यहाँ पर आपको एक्टिवेट कर देना एक्चुअल गन्स 3D, और एक्टिवेट करने के बाद CMS बिहेवियर यहाँ करना मत भूलना। अगर एक जगह कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, बिहेवियर में भी करना पड़ेगा। और एक्चुअल गन्स 3D यहाँ पर भी मिल जाएगा तो उसको यहाँ पर भी एक्टिवेट कर दीजिए। और एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले मैंने आपको बता दिया क्या, हाँ यहाँ पर आपको हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स और मॉलिंग फीचर्स को एक्टिवेट कर देना है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, शायद मैंने पहले बता दिया, शायद कोई दिक्कत नहीं, नहीं बताया होगा तो वापस से रिकैप हो गया। और उसके बाद आपको सिंपली वर्ल्ड को कर देना है क्रिएट और उसके बाद आपका मॉड पे एकदम अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज लाइक दिस। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल एंड टेक केयर एंड गुड बाय।